तो फाइनली गाइस देख लो अपनी बैटरी जो हो चुकी है 100 प्लस 140 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 4570 किलोमीटर चल चुकी है और भाई स्टार्ट कर रहे हैं द्वारका से। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट टू है और ये बैठे भाई ये चलाएंगे फिलहाल, अभी जोश और जुनून बहुत टाइट है। करो पाजी स्टार्ट। हाँ बस ब्रेक छोड़ दो पाजी, होली 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 पाजी गड्ढे में। तो भाई मस्त रोड एकदम, मथुरा का आधा मथुरा तो ये रहा। आहा बल्ले। फाइनली गाइस देख लो अपनी जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो चुकी है और दिल्ली से लेके मथुरा तक भाई ईवी पे जा रहे हैं और देखते हैं क्या रहेगा भाई। तो रूम की जो बुकिंग है वहाँ पे हमने कर दी है, बट रियल चैलेंज अभी भी हमारा वहाँ पे जाके यही रहेगा कि हमारे को ईवी अपनी चार्ज करने के लिए कोई बंदा ढूंढना है। और वहाँ जाके तो छोड़ो, अभी तो सबसे पहले हाईवे पे कोई मिले जो हमें चार्ज करने के लिए आ करे। तो भाई अपनी जो बाइक का ट्रिप था वो हमने ज़ीरो कर दिया है, बट वो हम देखेंगे दिल्ली आने के बाद, उसे नहीं छेड़ेंगे। वहाँ पे नितिन की दुकान है, बहस किया उसने धोखा दिया हमें, पता नहीं आज उसकी गाड़ी नहीं खड़ी करना भाई, वो ऐसा ही है बंदा। गुलशन भाई हरा हो गया पोपट, हमारे को जाना पड़ रहा है वापस घर। तो आपको ये गलियां ये चौबारा देखी थी ना, हम वापस वहीं आ गए भाई। और देखो हुआ क्या भाई, मैं अपना ना हेलमेट लाना भूल गया हूँ यार, हुआ कुछ नहीं है, हेलमेट लाना भूल गया हूँ। हम जब से 1% का वेट कर रहे थे और इतनी एक्साइटमेंट थी जाने की भाई, मैं अपना हेलमेट ही घर भूल आया भाई। अभी चलते फटाफट से अपना एग्जॉर उठाते हैं यार, एग्जॉर हमारा रह गया वहीं पे, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली भाई अभी तो टाइम हो रहा है 2:15 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं। एक बारी जरा मौसम का हालचाल ले लो और बाजी जरा गड्ढों में आराम से, हाँ गड्ढों में मत बाजी से कूदाना, गड्ढों में ये कूदी तो हम कूद जाएंगे। और भाई ये देख लो एकदम नाइट व्यू, ये टैक्सी वाला बैठा थोड़ा सॉरी यार ये देखो भूतिया महल इतना कैड़ा लग रहा। तो भाई यहाँ से चला रहे हैं हमारे गुलशन भाई क्योंकि उन्हें पता है रास्ता, शादी बहुत आराम से। थोड़े द्वारका के रोड बहुत बेकार है, हैं नहीं वो तो है पाजी बदलवाने नहीं ना। ये देखो पता नहीं क्या लंडेरी ले जा रहा है, निकालो भाई इसके लेफ्ट ले गए साइड में, ये क्या ले जा रहा है भाई, पूरी गाड़ी पे दिवाली ला रखे है बाबू जी। ये अच्छे रुगाड़े भाई जो नंबर प्लेट लगाने का, वो ब्याह होता रहा है। तो भाई चल रहे फटाफट से भाई, लेफ्ट में इसे लेफ्ट में दबा के चलाओ, ये बीच में तूफान नहीं बना सकती। तो भाई यहीं से हम पेट्रोल डलवाया करते थे पर आज हमारे को पेट्रोल घर से ही मिला है, तो जा रहे हैं भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और अभी हमारी जो बैटरी है भाई वो देख लो 98% आ चुकी है, क्योंकि हम इतने खुश थे हम भूल ही गए थे, हम घर से हेलमेट लेना भूल गए अपने शहर का, देख लो भाई। ठीक है तो भाई मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ओह माय गॉड दिस इज फुल ऑफ सैक्स। निकले हैं ने झटका कैडा लिया, मुझे लगा सेकंड मोड में डाल दिया, देख लो बिल्कुल खाली पड़ी है यार रोड एकदम झकास, टपा टप जा रहे टपा टप। अपनी बाइक पे नहीं है नंबर प्लेट, गाड़िया भी बहुत है यार हमारे को, रस्ते में कोई लूट लटेरा भी मिल गया ना भाई, गाड़ कर रखा है। और देख लो भाई अपने भाई का हेलमेट, हम दोनों के हेलमेट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पता है, थैंक यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसका कितने रेट का है, मेरा तो पता ही होगा। तो भाई बैटरी आ चुकी है हमारी बाइक की बैटरी, अरे देख रहे समझ रहे, ये देखो भाई मोदी जी की योजना हर घर झंडा, यहाँ पे हर मोहल्ले में झंडा भाई, देख लो क्या कैड़ा लग रहा है यार, मतलब जबरदस्त। द्वारका वालों ने खर्चा अच्छा कर रखा है वैसे, देख रहे हो पूरा एकदम रोड पे लाइट नहीं है, अंदर तक पूरी लाइट है, हर घर झंडा। तो भाई नेविगेशन ने काट दिया हमारा पपलू, ठीक है अब यहाँ से जो प्रेम मंदिर हो चुका है वो हो चुका है 146 और हमारी बाइक की रेंज आ रही है 128।
ठीक है। तो ये है भाई गूगल मैप्स पे, आप भरोसा कर लो और उनका चूजा कटवा लो। कंटिन्यू टुवर्ड सिटी। रोड का व्यू तो मस्तारा है तो यार, अपनी प्लानिंग तो यही है कि अगर कहीं पे भी बैटरी खत्म होती है तो भाई ओयो लेंगे, सोएंगे इन 1.1 किलोमीटर या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि इसके सारे प्लान फेल है भाई, इसके कोई प्लान सक्सेस नहीं है। अब देखते हैं कि हम गरीबों की कोई मदद करेगा या नहीं करेगा, वो तो बात की बात है। रोड के हमसे कह देंगे लाओ जी बाइक दो चाबी दो और निकलो बेटे, इतने में उसके मुंह पे आएगा मुक्का सरसराता हुआ और घुसड़ घुसड़ अलग मिलेंगे, तो सेवा पानी तो नहीं पूरी है। बट यार अभी सही है, चलो अभी तक तो ठीक ठीक लग रहा है। मूथल वाले में तो बहुत मज़ा आया था, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए थे हम, मज़े ले रहे थे, सोच रहे थे। पर देखते हैं अभी क्या होगा, देखते हैं। अभी तो है यार 128 किलोमीटर की रेस है, 92% बैटरी आ चुकी है, फर्स्ट मोड पे ही जाने वाले हैं और हम दो बंदे इस पे टपा टप बैठे हैं, तो देखते हैं चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या होगा भाई, दिखाते हैं आपको। ऐसे करके लिखा हुआ था भाई, ये हम दिल्ली के स्कूल में तक पहुँच चुके हैं। और भाई दिल्ली की तो सारी रोड एक जैसे हो रही है, ट्रक व्रक चल रहे हैं, टपा टप लाइटें फड़क रही हैं, ठीक है। पेड़ वेड़ देखो कितने सेक्सी लग रहे हैं रात में, दिन में तो होता ही नहीं टाइम किसी को देखने का। और ये देखो भाई ये क्या आ गया, सिग्नल्स एनक्लेव। तो भाई पता नहीं यार ये कौन सा एरिया आ रहा है, पालम द्वार का भाई पूरा, मतलब एक एरिया अपना एरिया होगा ना, यहाँ पे हमारे निंजा अटैक नहीं हो सकता। निंजा अटैक यार, तो भाई मज़ा आ रहा है। और अपनी जो बाइक है भाई वो फाइनली 90 आ चुकी है हमारी बाइक की बैटरी, देख लो भाई रेल्स दिखा रहा है 134, ठीक है तो भाई ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बस ट्रक्स टेम्पूस यू स्लिप रोड है, एंड जो फिसलना है इन्हें है फिसलेंगे कहाँ से। तो भाई ये देख लो बोर्ड कितना कैड़ा लग रहा है, बस अंधे यार। फाइनली एक बार इतना चेकआउट कर लो, दूर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था, रहा है मेरे से जितना, तो भाई सबसे अच्छा लगता है वो लाइन से लगा रखे भाई, मुझे एक और आ रहा है आगे, वो देखो एक और आ रहा है, चलो वो और चेक करा दें आपको। दिखेगा ही नहीं। तो भाई ये देखो हमारे को सुबह की पहली फ्लाइट के दर्शन हुए हैं, तो देख रहे हो एरोप्लेन जा रहा है, जरा सा जा रहा है, जरा सा देख रहा हूँ आसमान में बत्तियाँ टपक रही है। तो भाई ये एरोप्लेन जा रहा है, अच्छा लग रहा है, हम भी अच्छे लग रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं। और भाई हमारी जो बाइक की बैटरी है वो आ चुकी है 88%, रेंज दिखा रहा है 123 किलोमीटर। In 1 kilometer, keep right onto Olaf Palma Mine towards IT. भाई देखो जिंदगी का सुकून है यार, प्यार करना है अपनी चीज़ों से करो, ठीक है। लाइफ इज ऑल अबाउट धोखा, बट क्या है कि देखो ये नॉन लिविंग थिंग्स है भाई, इनका प्रेम अलग ही होता है, ये हमारे मन से जुड़ोगे होते हैं, जितना हम इन्हें प्यार करेंगे हमें उतने प्यार करेंगे। तो भाई लोगों पे भरोसा करना छोड़ो, अपनी बाइकों से गाड़ियों से प्यार करो, क्योंकि भाई इनसे एक बार ही प्यार हो गया तो भाई सब कुछ, फिर तो दिन रात सोते जागते हैं, समझ रहे हो ना, बाइक गाड़ी भाई गाड़ी नहीं है, जान है मेरी जान, और ये मैं इसका दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। तो अपन पाली नहीं सरोजनी मार्केट के आसपास आ गए ना, कृपा आ गए। अच्छा तो भाई देख लो एक बोर्ड आ रहा है, Keep right on the Olaf Palma Mark towards IIT. In 2 kilometers, keep right on to Jamal Abdul Nasir Mark towards Opta Bantu. ऊपर तो हवा में लाइटें दिख रही है भाई, प्लेन जा रहा है एरोप्लेन।
एरोप्लेन एरोप्लेन खाना बड़े धीरे चल रहा है, मतलब इससे तेज तो हम चल रहे हैं। चूतिया प्लेन, अब भगाए ना बोलू। ओ माय गॉड भाई, मुझे तो लग रहा है गिरने वाला है ये चूतिया भाई। इसकी लाइट बड़ी प्यारी लग रही है, देख लो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। है क्या है In 1 kilometer, keep right on to Jamal. तो भाई फाइनली अपन जो है नेहरू पैलेस के पास पहुंच चुके हैं एज पर हमारे भैया ने बताया है। और देख लो भाई सामने मोदी टावर आ चुका है। और भाई ये मतलब ट्रिप ना बहुत ही ज्यादा घमासान होने वाला है कि मतलब पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा, पर देखते हैं भाई। कोई बात नहीं यार, मगर देख लो यार, अब तुम लोग चैनल से कनेक्ट रहोगे, मैं ऐसी वीडियो ना बनाता रहूँगा, जाता रहूँगा, घूमता रहूँगा, घुमाता रहूँगा, घुमा के परेशान कर दूंगा। हम दोनों भैया घुमा के परेशान कर देंगे, क्योंकि हमने भीड़ा उठा लिया है शादी ना करने का। देखो भाई नेहरू पहले माँ बल्ले बल्ले शेरा बल्ले बल्ले नेहरू पैलेस का बोर्ड आपको दिखाई दिया हमने। ऑटो की लाइन लगी पड़ी है, बैटरी वाली गाड़ी और लाइनें भी लगी पड़ी है लबालब। और भाई देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर हमारे को कहीं पे भी चार्जर नहीं मिला भाई, मैं किसी भी एटीएम में घुस के उसको पॉइंट निकाल दूंगा और चार्ज करना चालू, टपा टप करेंगे भाई चार्ज। चार्ज की टेंशन नहीं है यार, बैटरी अपनी आ चुकी है 82। सड़क पे घूम रहे हैं मीठे भाई, देख लो यहाँ पे बोर्ड देख लो, जो बंदे यहाँ से निकलते गुजरते होंगे उनके लिए बोर्ड भी है यहाँ पे। तो भाई जिस जिसके एरिया से क्रॉस होता जा रहा है ना, तो उस एरिया के बंदे सब्सक्राइब करते चले जाना। ओ माय गॉड शादी में रहिए धूप सुबह का। हाँ कोई बात नहीं, शादी ये कभी कभी भूत आ जाता है इसके अंदर। ये देखो भाई भूत आ गया, अपने आप ही 50% भाग रही है पहले मोड़ पे। मगर चलो कोई बात नहीं। और भाई देख लो सामने है फरीदाबाद का बोर्ड, सामने आ चुका है एक बार झंडा। वैसे यार इतना बुरा भी नहीं अपना दिल्ली, देखो आज पे क्या टपाटप चमक रहा है। और मेरे ख्याल से हमारे लेफ्ट हैंड पे कालका जी मंदिर आ चुका है। हैं निकल गया ना, वो जो कट आया था वही था ना, तो भाई वही था अपना कट कालका जी मंदिर। जय हो भगवान, बस तुम्हारे भरोसे जा रहे हैं, संभाल लेना जरा ट्रिप हमारा, जैसे लेकर प्यार से लेके टप गड्ढा था भाई। कोई बात नहीं भाई, गड्ढे ऐसे आते रहेंगे। तो फाइनली 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 अपन जो है भाई वो आ चुके हैं, मतलब भगतपुर का बॉर्डर अब आने वाला है अब। अच्छा कोई नहीं, मतलब अभी दूर है बट फरीदाबाद शायद कुछ आने वाला है। तो भाई देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे बिजनेस आ गए, ये फुट ओवर ब्रिज जा रहा है, मतलब हवी भी हो रहा है यहाँ पे। और बाइक की बैटरी भाई अपनी आ चुकी है 80%, और रेंज दिखा रहा है 113, मतलब 113 किलोमीटर की रेंज भाई। चल रहे हैं फटाफट से, नॉन स्टॉप चलेंगे यार, मतलब देखो कहीं रुकेंगे वहीं रुकेंगे जहाँ पे चार्ज करनी होगी। राजपथ नगर का बोर्ड आ चुका है लेफ्ट साइड पे और साइड पे ये स्टेशन। बेटी बताओ बेटी पढ़ाओ। सामने भाई देख लो एक नेक्स्ट बिल्डिंग आ रही है। तो यार हमारी लोगों की कहते हैं हॉस्पिटल से एक बुरी यादें होती हैं, हमारी इस हॉस्पिटल से कुछ अच्छी यादें हैं। ओ माय गॉड यहाँ पे क्या हो गया, दीदी का टेक डाउन हो गया, दीदी को पूल लग गई रोड पे। तो भाई देख लो ये मैक्स है, और भाई मैक्स के अंदर देखो टाइम दिखा रहा है 2:55 हो रहे हैं। तो भाजी 2:55 हो गए। तो भाई यहाँ पे इस वाले मैक्स से हमारी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। चलो कोई बात नहीं, देखा ओहो यहाँ क्या हो गया भाई, टाइम हो गया। भाई चलो अब यहाँ से आ गया टाइम लेफ्ट देने का, और अपन आ जाएंगे बदरपुर वाले रोड पे, बदरपुर नहीं बदरपुर वाले रोड पे। तो चलते हैं फटाफट से, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई फाइनली देख लो
और यहीं से सीधा दिखा रहा है। तो भाई यहाँ पे भी ज्यादा कुछ जहन नहीं दिखाने के लिए, कुछ तो आपको पक्का दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, एंजॉय करिए हमारी वीडियो। फाइनली भाई अपनी जो बाइक है वो 4600 किलोमीटर हो चुकी है और मथुरा के रूट पे हुई है 4600। वाओ, मतलब वी आर गोइंग टू माइंड क्या भाई, यहाँ से दो आ गए हैं फिर से और बाइक 4600 हो चुकी है अपनी, पार्ट ऑफ अ मेमोरीज कि हमारी बाइक 4600 हुई है। जा चुका है मेट्रो स्टेशन, जा चुका है भाई, और जो अपना हाईवे है वो फाइनली स्टार्ट होने वाला है। मतलब रियल चैलेंज जो हमारा है वो स्टार्ट होने वाला है भाई। और मैं कसम से कह रहा हूँ अभी से ही कमर में दर्द हो रहा है, कमर समझ रहे हो ना, कमर के निचला हिस्सा भाई अभी से ही सीख गया है यार। भाई के भी दर्द हो रहा है, ऊपर एरोप्लेन जा रहा है, नीचे पेट्रोल पंप पे साइड में बैठे हैं। तो भाई हम हर तरीके से तैयार होने जा रहे हैं, देखते हैं जब तक जिसका मन करेगा भाई वो तब चला लेगा, क्योंकि अभी जो है मथुरा बहुत दूर है, बहुत दूर का मतलब बहुत दूर। तो भाई रात में अभी कुछ नहीं दिखेगा, इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं, जैसे जैसे पहुँच जाएगी आपको दिखा दे जाएंगे। बने रहो भाई चैनल पे, बहुत मज़ा आने वाला है अभी आगे। देख लो ये सराय करके पे लास्ट मेट्रो स्टेशन आया है और ठीक सामने है टोल बूथ, और भाई अब हमें भरना पड़ेगा टोल। मगर हमारा क्या है, ओ माय गॉड भाई रोकना यार, कुछ भाई ओ भाई रोकना, बैंचो बाइक बंद करना दो यार, सामने तो बड़ा कैड़ा तू जुगाड़ दिखा यार, वो बैंचो एक से गाड़ी खड़ी है यहाँ तो लौड़ी की। ओ भाई वो देखो यार, ये है एग्जॉटिक व्हील्स, ओ भाई यार देखना कितना गजब लग रहा है यार, बेंटले पोर्शे ऑडी भाई कितनी गाड़ियाँ खड़ी, वो एक और बेंटले खड़ी है यार ऊपर मर्सिडीज, और ये देखो आगे ऑडी खड़ी है। ओ बहनचो भाई क्या गाड़ियाँ दिख रही है यार, देखना भाई पोर्शे ऑडी, बाहर भी इसने वॉल्वो खड़ी कर रखी है, इधर एक जीप खड़ी है भाई, क्या गजब लग रही है यार, यार ये तो मज़ा आ गया यार, वाह यार। तो भाई फाइनली अपन पहुँच चुके हैं फरीदा बजरपुर का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मथुरा की ओर, और भाई देख लो हमारी बाइक में जो बैटरी है वो बची है 58 और रेंज दिखा रहा है 81 की, और भाई लगातार फर्स्ट मोड में चलाई है, और भाई सामने है जेसीबी का शोरूम, भाई बड़ा कैड़ा लग रहा है यार जेसीबी का शोरूम, और पीछे चूतिया सी रोड बन रही थी भाई, हालत ख़राब हो गई हमारी। इंडिया का हेड क्वार्टर है यहाँ पे बैंचो, वो थी ना जेसीबी की खुदाई और ओहो इंडिया हेड क्वार्टर, अच्छा लिखा हुआ है, ओहो इंडिया का हेड क्वार्टर है वो लिखा हुआ सामने, रुक जा बोल ठीक है, ये देखो ये लिखा हुआ ना इंडिया हेड क्वार्टर, पता नहीं काय का लोडू का हेड क्वार्टर है। तो भाई ये खड़ी हमारी रिवोल्ट, अब चलाएंगे पाजी और मैं बैठूंगा पीछे। और टाइम क्या हो रहा है पाजी, टाइम भी बताओ यार सबको, कितने बजे निकले थे हम, 3:40 और भाई 2:10 पे निकले थे ना, चलो जी 2:10 पे निकले थे, अब पाजी की बारी है, पाजी चलाएंगे, तो देखते हैं भाई कब तक हम पहुँचेंगे मथुरा। अच्छा बाजी है पाजी की, मैं बैठूंगा पीछे, बाजी ना मेरा बैग खोलो। चलो फाइनली अपन निकल जा रहे हैं, और देख लो भाई फिर से हमारी जर्नी जो है स्टार्ट हो चुकी है, और भाई अपनी जो बाइक की बैटरी है वो 58 पे और 81 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, और भाई ये देख लो अपन जा रहे हैं खैचम खैच, और भाई तुम्हारे भाइयों ने फर्स्ट मोड से अभी तक जो मोड है वो चेंज नहीं करा है, और भाई बिना मोड चेंज करे बिल्कुल इसे लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि रात को हमें पता नहीं चलते चार्ज को दोबारा मिले ना मिले, क्योंकि रियल चैलेंज ही वही है। और ये देखो भाई स्टूडियो का जो है वर्कशॉप यहीं पर ही बनते हैं भाई सारे, तो फाइनली गए तो अपने साथ हो चुका बहुत बड़ा धोखा, और यहाँ से मथुरा दिखा रहा है 104 किलोमीटर, और हमारी बाइक की रेंज देख के तो आपकी भी फट जाएगी 77 किलोमीटर, तो भाई हमारी बाइक की तो रेंज है वो रह गई है सिर्फ 77, अब तो भाई हमें भी डर लग रहा है, पर कोई बात नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, वहाँ भी देखो जा रहे हैं भाई, देख लो ये भी, और इनकी मेहनत रंग लाएगी और हमारी मेहनत भी रंग लाएगी, अभी कहीं ना कहीं चार्जिंग दूर भी
पड़ेगी भाई। अगर हमारे को एक बार चार्जिंग नहीं मिलती तो भाई वहाँ पहुँचना बहुत इम्पॉसिबल है यार, बहुत इम्पॉसिबल। भाई जी देखो पुलिस चौकी आ गई है, चलो 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 भाजी। तो भाई ये देखो सीकरी, ऐसे ये देखो भाई सीकरी का पुलिस स्टेशन आ गया है, हरियाणा पुलिस आपकी सेवा में। इन्हीं के पास लगा देते ना लिखा आपकी सेवा में, आपने तो लिख रहा था आपकी सेवा में। भाई देखो टोल गेट आने वाला है, अभी हमने हरियाणा क्रॉस कर दिया है, हरियाणा को पत्ती है पेट्रोल पंप के साथ हमारे पेट्रोल पंप को बाय करते हुए देखते हैं भाई। चलो कोई बात नहीं। तो भाई फाइनली यहाँ पे अभी एक बोर्ड आया था और उस पर लिखा हुआ था कि 97 किलोमीटर अभी मथुरा यहाँ से टोटल दायर है, और हमारी बाइक की रेस देखें तो आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। 65 किलोमीटर की दिखा रहा है भाई बस, ये मतलब ये बाइक यहाँ से 65 किलोमीटर जाने वाली है मथुरा, समझ रहे हो। ये देखो भाई 65 किलोमीटर, 41% की बैटरी बची हुई है। देखते जाओ आगे तो क्या क्या ही होगा, अभी तो पता ही नहीं है चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, जिंदगी का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेट्स सी क्या रहता है। चल रहे हैं भाई अभी तो, ये एम्बुलेंस है एंड किया अभी क्या है भाई, बहन तो लंगड़ों को बुलेट पे देने लगे। भाई ये देखो सामने बोर्ड आ चुका है मगर यहाँ पे मथुरा का कोई जिक्र नहीं है, पर आगरा 146 है। ओह माय गॉड, और अभी तो यहाँ से पलवल भी दूर है, अभी तक तो हम पलवल भी नहीं पहुंचे हैं, बट हम कंटिन्यू चल रहे हैं। भाई देखो सबसे मजे के बात बता दो, जब हम सीएनजी वाली गाड़ी से आते हैं तो सीएनजी के स्टेशन नहीं मिलते, मगर इस बार देखो दुनिया भर के सीएनजी पंपों की बातचीत चल रही है। तो भाई अपने को फाइनली एक चार्जिंग पॉइंट जो है दिख चुका है, लो लो आगे लो आगे लो। तो अभी हम आपको दिखाते हैं वो चार्जिंग पॉइंट, और भाई वो जो चार्जिंग पॉइंट है ना वो एक्चुअली ऐप वाला है, मतलब जो लोग इंस्टॉल करवा लेते हैं ना, तो उसमें मैंने दूर से ही देख लिया तो उसमें लाइट जल रही है। और लो आगे लो, वो देखो वो लग रहा, ये देखो ये लग रहे, चढ़ा दो इसे ऊपर, चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो चढ़ा दो, हाँ कर दो बंद कर दो भाई, कर दो बाइक बंद कर दो। तो भाई ये देखो अपने को मिल गया चार्जिंग पॉइंट, और अब हम इसे यूज़ करके देखते हैं। चलो अभी हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। भाई यहाँ पे देख लो 4:15 हो गए हैं और ये बोल्ट ऐप लगा हुआ है यहाँ पे। भाई हमने इसका जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लिया बट ये वर्क ही नहीं कर रहा, इसके अंदर पता नहीं कुछ ये लिखा हुआ आ रहा है, बस यही है। देख लो अपना जो चार्जर है वो, अपना जो ब्लूटूथ है वो ऑन है, लोकेशन ऑन है, इंटरनेट चल रहा है, सब चल रहा है, बट ये जो है ये चार्ज नहीं कर रहा है। मतलब इसके अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है, चार्ज तो मैं नहीं कहूँगा, सर्चिंग फॉर चार्जर ही लिखा हुआ आ रहा है अभी तक, पता नहीं क्या सीन है इसका। तो हम अपने साथ अपना एक्सटेंशन भी लेकर आए हुए हैं, देख रहे हैं टाइम ख़राब ना हो यार हमारा, बस ये कर रहा है तो कर दे। हम ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो कि कैसे होगा। ये बिल्कुल चूतिया बोल्ट ऐप है, बिल्कुल भी नहीं चला, हमारा टाइम और वेस्ट कर दिया। ये देखो ये दोनों ही लगे हुए हैं, और भाई उस वाले में तो पैसे भी कट गए तब भी उसने हमारा चार्ज नहीं करा है। और देख लो अगर आपको ना यकीन हो भाई दिखा देते हैं, ये देखो भाई 41% बैटरी है, 51 की रेंज दिखा रहा है भाई, बिल्कुल चूतिया ऐप है यार। यहाँ तो ये लोग ही चूतिया, इन्होंने अंदर से पता नहीं क्या वायरिंग सेटिंग कर रखी है, 16 रुपये और ले लिए भाई, बता 16 रुपये और ले लिए यार, बता 16 रुपये की गांड मार ली, पहला नुकसान हो गया 16 रुपये का। कोई बात नहीं भाई, ये भी एक एक्सपीरियंस है, बोल्ट ऐप चूतिया ऐप है, महा चूतिया महा बकवास ऐप, कृपया बिल्कुल भी ना इस बोल्ट ऐप को आप इंस्टॉल करें, और अगर कर रहे हैं तो ढंग से इंस्टॉल करें।
अपना बैंड जो ऐसे चूते अप्पा वाली चीज़ें ना ही ले अपनी ज़िंदगी में। चलो पाजी डाल दो हाईवे पे, बाहर निकाल दो उसे। यार चलो ये भी एक एक्सपीरियंस में जुड़ गया कि बोल्ट टाइप पे कवर है। हम तो ये सोच के आ रहे थे कि चलो अगर ये चल जाएगा तो बढ़िया है, इसी बार से यही चार्ज कर लिया करेंगे। देख रहे हो भाई जितनी भी लाइटें, जितनी सब मीटरों की लाइटें हैं। अबे यार कम से कम बैंक से घंटे के पैसे चाहिए तो एक कटोरा वाला नाम उसमें लिख दो कि भाई हमारे को इसमें पैसे दान कर जाया करो, तो कुछ डाल देंगे यार। तो कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, मगर देखो टाइम ख़राब मत करवाया करो किसी बंदे का। अब चलते हैं आगे, फिर ढूंढने के टाइम में चार्जिंग स्टेशन मिलेगा तो आपको दिख जाएंगे। जिन्होंने लगा रखा है उनका बेकार है, किसी काम का नहीं है। देख लो आगरा पलवल का बोर्ड आ गया पाजी, देख रहा हूँ टेंशन ही मत लो, नजर बड़ी कैड़ी है। फाइनली 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 भाई अपने को मिल चुका है यहाँ पे चार्जर और ये चल चुका है। हाँ ये देखो भाई आवाज आ गई ना चार्जर की, तो भाई हमने यहाँ पे सेट कर दिया है आधे घंटे के लिए और 20 रुपए लगे मत, और अब हमारी बाइक को हम होने देते हैं चार्ज। भाई लबालब, मतलब अगर ऐसी सिस्टम हमारे को ऐसी फैसिलिटी मिलने लग जाए भाई बहुत मजा आएगा। और देखो अभी इसके अंदर ना यूनिट भी दिखाएगा कि कितने यूनिट हमने यूज कर लिए। देखो 0.004 यूनिट हैज बीन कंज्यूम। भाई कसम से, क्या नाम है इनका, कुणाल चौहान। भाई कुणाल चौहान को हैट्स ऑफ है भाई, जिस बंदे ने मतलब एक नी दो नी तीन तीन यहाँ पे ऐप लगा रखे हैं भाई बोल्ट के। ये बाजी बंदा ना अपने अपने हिसाब से अमाउंट सेट करता है। इस ऐप की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो रेट ये फिक्स करेगा वही होगा। अब इसने जो रेट फिक्स कर रखा है वही है, ये 3,850 रुपए के आसपास का है। पाजी पाजी हेलमेट गिर जाएगा, उतार दो पाजी, आपके बैग टांग रखा है। अच्छा अच्छा, ओहो पाजी की पेटी तो हमने बंद कर रखी है। पाजी को उम्मीद नहीं थी कि अभी भी काम करेगा, मुझे भी नहीं थी। लो पाजी खोल दिया, तू ऊपर बैठ बोल थोड़ू भाई। ये देखो अपना एग्जॉर का हेलमेट यहाँ पे ये रखा हुआ, चार्जिंग अपनी हो चुकी है चालू। और भाई कसम से मैं बता रहा हूँ, मतलब दिल को इतनी खुशी है ना, क्योंकि यार देखो पैसे से हम ये चीज़ फिर भी यहाँ पे कर सकते हैं। अब किसी को मांगने से अच्छा था कि चलो अभी हो गया, तो अब हमने इसके अंदर टाइम सेट कर दिया पूरे आधे घंटे का। और भाई ठीक आधे घंटे बाद अब हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमें दिखा देगा। अभी तक इसके अंदर जो टाइम दिखा रहा है वो पूरा ही दिखा रहा है। थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड अ लॉट। चलो गाइस करते फटाफट से इसे चार्ज, और मैं आपको दिखा देता हूँ बोल्ट ऐप में भी ना कि मतलब हमने कितने पे लगाई है अभी। अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाह रहा, वरना मैं आपको वैसे भी दिखा देता। देखो 447 पे, ठीक है अभी 52 हो रहे हैं और ये 30% चार्ज थी। ठीक है तो भाई यहाँ पे हो चुकी है अपनी चार्जिंग चालू। तो भाई इसके चार्जर का ना सबसे बढ़िया रीज़न ये है, ये देख रहे हो आवाज़ आ रही होगी आपको एक फ़ैन चलने की, ठीक है ये इसकी लाइट है भाई, ये इसके अंदर ना इसकी लाइट डिम होती है मतलब जब ये चार्ज होता है। तो अभी मैं आपको इसके अंदर एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये देखो भाई जो अपनी बाइक की बैटरी है मतलब वो 25-50% के बीच में है, तो ये वो दिखा रहा है। तो यहाँ करते हैं इसे चार्ज और तब तक के लिए करते हैं यहाँ पे कुछ बैठ के, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। बैग हमारे ये रखे हुए और मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। और भाई ये देख लो, ये जिन भैया का वर्कशॉप है SS टायर्स करके, भाई ये इनकी तरफ से है भाई, कसम से भाई ऐसे बंदों के लिए सल्यूट है भाई जो ऐसी नई नई इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि यार देखो बंदा ट्राई के लिए सिर्फ एक लगा सकता था, बट बंदे ने ऑलरेडी यहाँ पे ना 3 लगा रखे। देखो मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, और अपनी RV 400 यहाँ पे चार्ज हो रही है एकदम खींच के। तो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में, और देखते हैं भाई कि जो इसकी लाइट है वो आधे घंटे में कितनी बढ़ती है कितनी नहीं बढ़ती है, और ऐप में आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। तो भाई ये देखो, कहते हैं ना मतलब परीक्षा हर जगह है, यहाँ चार्जिंग मिल गई, पीछे 16 रुपए का चूना लगा, अब उसके बाद एक डंडे आपका क्या हो गया, ये देखो इसके नीचे का जो वो था ना भाई वो कहीं निकल के गिर गया, समझ रहे हो, जो वो नट होता है जिसपे
वो मोबाइल टिकता है ना भाई, वो नीचे वाला पता नहीं भाई वो कहाँ निकल के गिर गया। तो अब हमारा जो इस ट्रिप का मेन मकसद था भाई, वो तो हो चुका है बिल्कुल ही बेकार, मतलब बिल्कुल रद्दी हो चुका है यार इस समय। और अब हमें समझ नहीं आ रहा, हम कोशिश करेंगे कि हमें मथुरा जाके कहीं पे ये मिल पाए कि हमें सिर्फ नीचे नीचे का मिल जाए, नहीं तो हम पूरा होल्डर भी खरीद लेंगे भाई। अगर नहीं मिलता ना भाई, मूड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो आधा घंटा हमने इसे चार्जिंग पर लगाया था और भाई देख लो भी ये 50% भी नहीं आई है। तो अब हमने इसको आधा घंटे के लिए और प्लान करके लगाया है और भाई देख लो सुबह हो चुकी है। तो हमने बस अब हमें खैर पता चल गया है कि भाई चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर है। तो अब हम अगली बार कभी भी निकलेंगे ना तो घर से थोड़ा और जल्दी करके ही निकलेंगे। मगर ये अच्छी बात है कि चलो ये भाई मेरे साथ ही आया। अगर ये अकेले आए होते कह रहे होते हर्ष भाई तुम बैठो तुम करो चार्ज, मैं जा रहा हूँ रूम में सोने, मिलते हैं सीधा वो वहीं पर ही, तुम करो अपने इसके टेस्ट पूरे। मगर भाई चलो कोई बात नहीं, पिछले हमने 16 रुपये बर्बाद कर दिए, यहाँ 40 रुपये में अब हमारी बाइक जो है, मतलब आधा घंटा हमने लगा दिया था और हमने इसे 5:25 पे लगाया है तो अब ये 5:55 पे ख़त्म होना चाहिए। तो अभी तो हम ये चेक कर रहे हैं कि टाइम भी ये सही ले रहा है या नहीं ले रहा है। बाकी यार चार्जिंग के स्लॉट इतने ज़्यादा, कसम से मैं कह रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया है, क्योंकि जो हमारा मोबाइल होल्डर का वो खोया है ना भाई, जो नीचे वाला लॉक था, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया है। बट हमने एक गलती और कर दी यार, मेरे को ना इसका डायरेक्शन नीचे की जगह ऊपर रखना चाहिए था, जो ये वाली डायरेक्शन है ना वो ऊपर रखनी चाहिए थी, अगर ये ऐसे निकल जाता मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यार। भाई देख लो कितने मच्छर हो रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ पाजी वहाँ खड़े होंगे, चलते रहते अब। भाई देख लो सुबह हो रही है, बस अब हम यहाँ पे आधा घंटा और वेट करेंगे, क्योंकि हमें यार ये तो पता ही था कि खैर हमें कहीं ना कहीं तो वेट करना ही है। बस ये है कि चलो अब हमारे को, वरना जो धक धक एक धक्का लगाने वाली थी ना, वो धक धक तो इस रिवोल्ट ने हमारे को नहीं दी है पाजी, वरना धक्का भी लगाना पड़ता। पाजी को तो नींद आ रही है, यहाँ कुछ जगह नहीं है भाई सोने वोने की, देख लो यार ऐसे वीडियो बनानी पड़ती है। अब ये था कि यार चलो ये भाई सो भी जाते ना मेरे पीछे बैठ के तो हमारी वीडियो बन जाती, मगर अब हमारा जो मेन मकसद था दोनों का वो मकसद ही खो गया है। पर कोई बात नहीं, अभी मथुरा जाके ढूंढेंगे भाई, ढूंढ के देखेंगे, अगर हमारे को ये कहीं से मिल जाता है किसी एसेसरी वाले की दुकान से तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो भाई कुछ नहीं कर सकते, अब जैसे चल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा हमारे को। चलो देखते हैं अब यहाँ से निकलते हैं तो आपको दिखाते हैं। बाइक अभी भी हमारी 50 नहीं आई है भाई, 50 पे ही 70 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा और हमारा तो अभी डेस्टिनेशन ही 77 है, देखते हैं। तो भाई ये देखो आपको एक चीज़ और समझाते हैं, अभी हमने एक नई चीज़ नोटिस करी है, आप ये देखो अभी टाइम क्या हो रहा है 5:35, हमने लगाया था 30 मिनट्स के लिए और भाई ये देखो यहाँ पे 5-10 मिनट ही हुए हैं और भाई इसके अंदर दिखा रहा है सिर्फ रिमेनिंग टाइम 18 मिनट, मतलब भाई इसके अंदर पूरा ही घपला है यार, ये बोल्ट वोल्ट ऐप सब घपला है यार, ये कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार है भाई। अभी मैं यही चेक कर रहा था, मैंने कहा यार हमें इतनी देर हो गई, हम इतनी जल्दी अभी आए थे और आधा घंटा हमारा हो भी गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई ये देखो 30 मिनट में से सिर्फ 17 मिनट रिमेनिंग दिखा रहा है और हम 5:25 पे लगाए हैं, अभी 10 मिनट ही हुए हैं। भाई सीरियसली यार, मतलब लोगों ने स्कैम की हद कर रखी है यार, एक बार में पैसे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पर यार चीज़ तो ढंग से प्रोवाइड करा दो। और ये देखो भाई ऐसा रिवोल्ट में कहीं पे भी नहीं है कि मतलब आपकी बाइक एक घंटे में देख रहे हो 50 से भी ऊपर नहीं आई है ब्रो, माय गुडनेस, मतलब हमने 20 रुपये दिए हैं 15 मिनट के, आधे घंटे के 40 रुपये और एक घंटे के 80 रुपये हो जाएंगे, माय गॉड इट्स टोटली शिट यार। बता 131 इतना ही कंज्यूम हुआ है और ऊपर देख लो 5:36। तो कोई नहीं यार, अभी इसका एंड होने दो, मैं दिखाता हूँ यार भाई सीरियसली यार ये सब बेकार है, ये ऐप वैप सब बेकार है यार। तो भाई फाइनली अपना ऐप में दिखा रहा है 46% और यहाँ पर देख लो भाई जो लाइट है वो आ चुकी है 50% के पास। तो भाई अभी देखते हैं, बस थोड़ी देर और रह गई है, देखो ऐप के अकॉर्डिंग 9 मिनट और रह गए हैं और भाई 5:55 पे हमारे अकॉर्डिंग ख़त्म होना चाहिए था। तो अभी देखते हैं कि कितना टाइम और लगता है और फिर यहाँ से निकलेंगे भाई, बाकी तो हेलमेट वाली बस थोड़ी हो ही गई है, अब मथुरा में जाके देखेंगे कि कहीं पे मिलता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो भाई वीडियोस में पता नहीं यार मज़ा आएगा नहीं आएगा, बाकी जो ट्रिप का मेन मोटो था वो भी ख़त्म। तो भाई ये देखो बाइक अपनी हो चुकी है 53% है, 74 किलोमीटर चलेगी। हाँ नहीं नहीं 74 दिखा रहा है तो थोड़ी तो कम मानो पाजी,
मतलब ये है कि चलो इसे फुल होन दो, मतलब ये वाला होन दो टारगेट, फिर निकलते हैं। बस थोड़ी देर और रह गई भाई, बाकी देख लो प्योर सुबह हो चुकी है, डीजे वीजे बज रहे हैं अच्छे से, और मच्छर तो भाई पूछो मत यार, बहुत मच्छर है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मच्छर है, हैं। तो भाई फाइनली यहाँ देख लो जो अपना टाइमिंग है वो 2 मिनट का रह गया है और 51 तक आ गया है। मतलब देखो कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत मीटर में हेर फेर है इसके अंदर, क्योंकि हमने 25 पे लगाया था, 55 पे बंद होना चाहिए था, तो हमारे को नहीं बर्दाश्त भाई, हमारा 1 मिनट भी बहुत कीमती है। देखो देख रहे हो 4 मिनट पहले बंद हो जाएगा भाई, अब इसके अंदर 1 मिनट दिखा रहा है और ये देखो लाइव चल रहा है। पर चलो यार हमारे को ऑप्शन मिल गया, हमारे को ये ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा अब हमारे से ना तो खड़ा हुआ जा रहा, क्योंकि यार यहाँ पे पता कुछ भी नहीं है यार बैठने बैठने के लिए ना, कि यहाँ तो हम कुछ खड़े हों सो गए हों, क्योंकि 1-1.5 घंटे की नींद, अगर मेरे को भाई कसम से बता रहा हूँ कोई ढाबा यहाँ पे होता ना, मैं इसे 2 घंटे लगा के सो जाता, जब तक उठते ये बेंच थर्ड मोड पे जा रही होती, फिर खैचम खाच एकदम। तो भाई ये देख लो किसी भी पल ये में ये बंद हो सकती है, फिर हम इसे करेंगे पैक, फिर रखेंगे हम इसे बैग में और फिर हम निकलेंगे। देखो भाई पूरा 1 मिनट दिखा रहा है और टाइम देख लो 5:52 हो चुके हैं, 2:10 पे हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, और भाई मैं कमेंट लेस हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल का होल्डर गिर चुका है, और अब मुझे नहीं पता कि आगे हमारा ट्रिप जो है वो कैसा ही होने वाला है। मतलब करेंगे यार, बस गुलशन भाई हमारी मदद करेंगे, उनकी नींद पूरी करवाएंगे अभी जाने के बाद उसके बाद वो खैचम खाच में भगाएंगे। सामान हमने देख लो भाई यहाँ से अपना सारा रख ही लिया है, बस किसी भी पल इसका बंद हो सकता है, फिर हम निकलेंगे यहाँ से। चलो दिखाई देते हैं आपको, ये देखो भाई ये बाकी बैग है अपना, भाई बड़ा दुख हो रहा है यार, ये देखो यार ये वाला ना यहाँ से गिर गया यार, यहाँ से ऐसे करके चूड़ी कसते हैं, चूड़ा का चूड़ा हो गया अब। बट थैंक्स टू दिस अंकल जिन्होंने इतना सुनहरा अवसर दिया कि हमें ये पता चल गया कि हमारा मोबाइल का तो फोल्डर ही नहीं है भाजी। तो चलो भाई ये किसी भी टाइम पूरा होने वाला है, बस पैकअप करके यहाँ से निकलेंगे। निकल चुके हैं और हमारी जो बाइक की बैटरी है भाई वो 79 किलोमीटर की जो है रेंज दिखा रही है, और भाई हम अपन यहाँ से निकल गए हैं, देखते हैं अब क्या रहेगा, कैसा रहेगा ट्रिप हमारा, बताओ यार इससे तो मैं यहाँ लगा देते हैं पूरे, कम से कम हम अंदर बैठ कर जाते हैं। भारत बैंक देख रहे हो मर्सिडीज काफ़ी देखते हैं काफ़ी, तो भाई देख लो फाइनली सुबह हो चुकी है, 31% बैटरी है, 6:50 पे हमने इसे दोबारा चार्ज पे लगाया है भाई, और हमारा सबका सामान इधर ही पड़ा हुआ है। और भाई यार सबसे बड़ी वसूली एक ये हो गई है, पता नहीं हमारी रिकॉर्डिंग भी इसमें कैसे होगी, क्योंकि हमारे यार इसका ना ये गिर गया निकल के यार ये बहुत समस्या हो गया हमारे लिए, ये भी चूतिया सा टूट गया, ये भी यहाँ से ऐसा हो गया, तो भाई अब पता नहीं यार क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए तो अभी इसे चार्ज करते हैं, यहाँ कुछ खाएंगे बैठ के। तो भाई असली पप्पू ढाबा है पलवल वाले हाईवे से, जब आप आते हो तो यहाँ पड़ता है, बाकी यार गाड़ी के तो चार्जिंग स्टेशन लगे हुए चल भी रहे हैं, पर चलो कोई बात नहीं अब देखते हैं। ये देखो हमारे भाई बैटरी चार्ज कर रहे हैं, ये पप्पू ढाबा पे ला के पीछे है बैटरी निकाल के, चार्जिंग स्लॉट चाहिए बस इनको और टप हम टाप चार्ज कर ली इन्होंने 50%, 2 डंडे कर लिए 0 से 16 रुपए का चूना भी लग चुका है ये असली पप्पू ढाबा है फुल मजे में। भाई इनका बैग नहीं है ये, देखो छोड़ा है बाबा जी का इस समय, इस बैग की कीमत 50,000 रुपए है भाई, देख लो चेन ही नहीं। असली पप्पू ढाबा
यहाँ पे आओ, यहाँ पे रुको, खाना भी टेस्टी है यहाँ का। ठीक है मुझे, तुम चलाओगे है? तुम चलाओगे? हाँ मैं चला, बट पूरी करी है। तो फाइनली भाई अपन पहुंच चुके हैं मथुरा, और प्रेम मंदिर से बस कुछ ही मीटर दूर है, किलोमीटर भी नहीं, अब तो मीटर आ चुके हैं। और भाई अब हमने दे दिए गुलशन भाई को बाइक, और हम सेकंड मोड पे लाए हैं। भाभी लो बीम कर लो। और भाई अपनी बाइक में बैटरी आ गई सिर्फ 5%, मतलब 5% बैटरी बची है। बैटरी देख लो भाई, 5% बची हुई है। और रेंज देख लो, रेंज 7 किलोमीटर है। अभी होटल चल के दिखाते हैं फुल। ये 30 से ऊपर नहीं जा रही। नहीं जा रही ना, अब ये फर्स्ट मोड में आ गई ऑटोमेटिकली। हाँ तो भाई ये धीरे धीरे करके ऐसे अपनी पप्पी ले लेगी। चलो भाई हट जाओ। तो भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं प्रेम मंदिर। हट जाओ, गाली भग दूंगा हमने। तो भाई देख लो सुबह सुबह ले प्रेम मंदिर का नाम, भगवान करेंगे तेरी पूरी आज। मोबाइल होल्डर ना टूटता तो दिखाते मेरा पूरा रास्ता कि कैसे पहुंचे हम इस दूरी पे। वृंदावन का रास्ता टापन टाप दिया हमने रास्ता। और भाई सामने देख लो आने वाला है फाइनली प्रेम मंदिर। क्या कहते हो बाजी, यहीं पर रोड पे खड़ा करके थंबनेल ले लूं इसका? वही रोक लेना बिल्कुल प्रेम मंदिर के गेट पे, फटाफट से उतर के फोटो खींच दूंगा। थोड़ा सा इफेक्ट कहना पड़ेगा ना। तो भाई प्रेम मंदिर जो है आ चुका है, और हमारे पीछे गाड़ी आ तो रही है भाई। भीड़ चलो छोड़ो यार भाई, भीड़ देख लो, और वो रहा प्रेम मंदिर। चलो भाई हट जाओ, ये भाई बालक है, मार देगा किसी ने अभी। तो भाई यहाँ पे कोई फोन ना छीन ले, इसलिए दोनों हाथों से जकड़ लिया तुम्हारे भाई ने फोन। और देख लो भाई अभी, यार अगर कसम से बता रहा हूँ, मोबाइल होल्डर में लगा होता ना गजब का वीडियो बन रहा होता। भाभी भाभी ना, मतलब एकदम क्या बताऊँ, सब एकदम मस्त लग रहा है यार यहाँ पे। तो देख लो भाई एंट्रेंस आ चुकी है हमारी, बैटरी भी बिल्कुल लुल बटा सन्नाटा हो चुकी है। आज तुम इसे थर्ड मोड में डालो, ना बटन को थर्ड मोड में रखो अब इसके। नहीं फायदा नहीं है, फिर भी तुम डाल दो तो आ ही गए हम भाई। ये तो पता नहीं अभी बाइक जाने देंगे नहीं जाने देंगे। तो भाई यहाँ पे पुलिस वालों की सेवा के लिए भी कोई नहीं खड़ा हुआ। चलो 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 मार दो, सोचो मत भाई, एक से एक गोपियाँ। ये देखो भाई खाने पीने का जुगाड़ फाइनली। यार मतलब यकीन नहीं हो रहा, इतनी मेहनत के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं। और ये एज यूजुअल भाई यहाँ पे जाम, ये देखो इसे झाट मरानी के। तो भाई दिल्ली से अपन यहाँ पर आ चुके हैं भाई, पीछे पुलिस वाले आ रहे हैं, तो अब इनकी फटरी है, तो वो देखो कैसे भगा रहा है। ये देखो आपस में लंडके टोपे, स्पीड भी नहीं पकड़ेगी अब तो ये। हाँ भाई देख लो, अब ये स्पीड नहीं पकड़ेगी, अब ये बिल्कुल धमाका बना देगी धीरे 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 पकड़ेगी। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ कोई आगे आ जाए तुम मार देना, रोकना मत मगर, क्योंकि ये वहाँ पे ढलान पे नहीं चढ़ पाएगी अब। तो भाई अब आने वाला है फाइनली एस्कॉन टेम्पल। देख लो भाई देख लो, रिमोट लिया है हम दिल्ली से मथुरा। हमारे मोबाइल का होल्डर भी गिर गया, वरना आ रहा होता समय बड़ा घमासान वाला मजा। और एक दिन बैटरी वालों ने खून पी लिया, चूती ही है भाई। इसे देखो ये बिल क्लिंटन की औलाद हो रहा, फोन पे भी बात करेगो, रिक्शा भी चलानी इनने। ये देखो झांट की इतनी का कहाँ से निकल कर आया यार। मतलब देखो ये जो गालियाँ होती है ना, ये गाली नहीं है भाई, ये मेरे दिल का अरमान है जो दूसरों को हरकतें देख देख के फूटता है भाई। एस्कॉन टेम्पल के भी दर्शन कर लो जब आए हैं तो। रिमोट अपनी आई है लेके मात्र
अपने भाई टोटल अभी तक जो पैसे लगे ना वो लगे सिर्फ और सिर्फ 60 रुपए है गुलचंद भाई, 40 रुपए और 16 रुपए तो अपने टोटल लगे 40-56 रुपीज में भाई हम पहुंच चुके हैं मथुरा। और 16 रुपए भी भाई वो चार्ज भी नहीं हुई थी यार, बाइक हमारी वो चूके मशीन की भाई, उसने एक बार भी चार्ज नहीं लिया भाई। अब हमने देख लो कितने पैसे में मात्र यार, फिर तो बहुत सही है यार। पेट्रोल में तो हमारे अभी R15 भी होती तो अभी लगाएंगे यार, 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो भी सही ले जाती है। 500-600 रुपए किलोमीटर के हिसाब से यार, इनटू 2 करके ही लगता अपना, मेरा तो बाइक का यही हिसाब है। अभी पहली वाली वीडियो में देखते हैं टोटल कितना हुआ है। तो भाई फाइनली जहाँ पे हमने करा रूम बुक हम वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद शाम को आएंगे। एक इसे देखो, अरे वो अपरान भाई, इनको तो गाली देने का मन कर रहा है, मगर देख रहे हो चला कैसे रहे हैं भाई, ये कैमरे में नहीं, ये असल में ही हमारे आगे से वो कर जा रहे हैं। तो भाई मुरली वाला आ चुका है भाई, गुलशन भाई की वजह से हमारा ये ट्रिप भी सक्सेसफुल हो चुका है। और कुछ लोगों की नंग यात्रा चालू है, नंगे पैर जा रहे हैं, अब यहाँ नहीं चढ़ पाएगी बाजी है। तो ऊपर तो लेकर ही जानी है, पैदल जाए जैसे मर्जी जाए, होली होली पानी कट्टो है। तो भाई फाइनली जो हमारा होटल का स्टे का कट है वो आने वाला है, और कुछ अंधे लोग रोडों पे चलते हुए आपको नजर आ ही रहे होंगे। ये देखो अबे बहन के जी ने रोड लाके ना गलती कर दी क्या। चलो भाई अब इस बाइक का फाइनल एक्सट्रीम टेस्ट होने वाला है, गुलशन भाई से थर्ड पे डाल दो बस फटाफट। चलो पहलो भाजी ब्रेक तो देना ही मत, मार दो बहन के आगे, अंधे आ रहे हैं। तो भाई देख लो 3% बैटरी है, 2 किलोमीटर की रेंज बचा रही है अभी भी, जिग रहा है भाई रिवोल्ट में। ये देखो भाई मसूरी की चढ़ाई आ गई। चलो 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 रिवोल्ट बस हो गया बाबू, बस रोको गुलशन भाई मैं उतर रहा हूँ, कहीं बेल्ट पे फर्क पड़ेगा, रुको रहने दो भाई रहने दो पाजी, बेल्ट पे फर्क पड़ेगा रहने दो। नहीं पाजी बस पहुँच गए पाजी, गुलशन भाई ने कहा बैंड किया नहीं छोड़ेंगे। ओह माय गॉड एक्सक्यूज मी एक सेकंड। तो भाई फाइनली अपन जो है पहुंच चुके हैं, और मीटर चेक कर लो भाई, मैं तो किसी हालत में नहीं, उस समय तो सोऊंगा। 4732 पे हम पहुंच चुके हैं, और भाई ऑल टाइम फेवरेट हमारे डॉग्स। पाजी बिल्कुल बटन दबा दो, देखो पाजी कहाँ है वो, फोन मिला उसको करो। ये हमारा वेलकम करने के लिए खड़ा होता, जैसे हम घुसे हैं ये हमारे पे भौंके हैं साहब। हाँ जी इन्होंने कुछ लगा भी रखा है, क्या लगा रखा है ये? ओहो अच्छा जी, अच्छा क्या नाम है, क्या हो गया? हैप्पी और भैया कह रहे हैं कि वो भरा हुआ है। ओ माय गॉड ही इज गोइंग इनसाइड, उसे गर्मी लग रही है। ओहो लो मैं खोल देता हूँ, ये यू वांट टू गो इनसाइड? अभी तो आए नींद आ रही है, हिले पड़े अभी हम। ओ माय गॉड कम ऑन हटो, ये देखो भाई कोई नहीं, अभी कर देंगे आप वो वाला तो फॉर्मेलिटी करो। बात किस हुई थी हमारी? हाँ किसी से पैसे दिए थे ना 500 रुपए करे हुए ना ऑनलाइन। अच्छा हाँ रात में बोलो देखो सो सिंसियर, ये हमारे पे वॉच कर रहा है भाई, यहाँ पे कैमरा नहीं है, यहाँ पे ये है, देख रहे हो भाई सो सिंसियर। क्या हाल है भाई, व्हाट यू आर सीइंग, डू यू सी माय रिवोल्ट है भाई? मार ना डाले, हमने आपके मालिक को 500 रुपया दिया है, ऐसे चलेगा ना ऊपर रूम का भी एसी है, ऐसे चलेगा पक्का? भाव कर रहे थे अभी आप बाहर। चलो तो भाई फाइनली यार देख लो रूम मिल चुका है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल कितनी परसेंट रह गई थी पाजी? 2% पे अब हमने बैटरी लगा दी है, और टाइम देख लो भाई, टाइम हो रहा है 9:08:50 और अब हम सोएंगे।
फ़ोन लगा देंगे सारे चार्जिंग पे, मतलब बिजली का तो ऐसा कंजम्पशन है कि मतलब फाड़ ही देंगे। तो भाई यहाँ पे करते हैं अपना पहला ब्लॉग एंड। और भाई अब पता नहीं अपने फ़ोन का जो होल्डर था वो तो टूट गया है, अब पता नहीं वीडियो कैसे बनेगी, तो कोशिश करेंगे ढूंढेंगे, अगर यहाँ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं मिलता तो फिर अपने हाथ को सेल्फी स्टिक बना लेंगे, बट बनाएंगे क्योंकि मेन पर्पस यही है। तो सोते हैं भाई, फटाफट से उठेंगे और फिर चलेंगे, क्योंकि कम से कम 3-4 घंटे की नींद हम लेने वाले हैं जब तक ये भी फुल हो जाएगी। 4 घंटे तो सीधा मिलते 4 घंटे बाद।